जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय पर्यावरण बच्चों, आज हम हिंदी परिवेश में पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग। तो आज हम इस वीडियो में इस पाठ को रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग। और जो आपके हिंदी परिवेश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 में दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। वे सदैव सत्य बोलते थे। यह था हमारा पहला पैराग्राफ। अब आगे देखते हैं। एक बार की बात थी जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने सहपाठी से बात कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया। पाठ खत्म होने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। अब उनके सहपाठी की बारी थी। गुरुजी ने उनसे भी प्रश्न पूछे, परंतु वह कुछ भी न बता सका। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। यह देखकर गुरुजी को क्रोध आ गया। वे बोले, यदि तुम कक्षा में बातें करोगे तो पाठ कैसे याद होगा। फिर उन्होंने उसे कक्षा में खड़ा रहने की सजा दी। सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक से न रहा गया। वे तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दिए। तिलक बोले, गुरुजी मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, पर समझाते हुए बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें।
बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तिलक ने ही देशवासियों को नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। विनम्रता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना हुआ बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिर कर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं है, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ जिसको हमने रीड किया है। तो आप लोग भी इसको घर पे इसी तरह अच्छे से रीड करें। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।